बेसिकली ट्रीटमेंट तीन चार प्रकार की होती है। एक होती है सर्जरी, जिसमें लीवर का कुछ पार्ट हम निकालते हैं, उसे हम हिपेटेक्टमी बोलते हैं। दूसरा होता है ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, जिसमें छोटी खून की नली जो लीवर में खून लेके जाती है, उसमें हम आइदर कीमोथेरेपी के स्पेशल बीड्स या अन्य कोई बीड्स डाल के उस एरिया में, ट्यूमर वाले एरिया में ब्लॉकेज कर देते हैं और ट्यूमर को कंट्रोल करते हैं। तीसरा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें अगर ट्यूमर 2 या 3 सेंटीमीटर से कम साइज का होता है तो बाहर से ही विदाउट सर्जरी वो ट्यूमर में नली डाल के रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा उस एरिया को जला देते हैं और ट्यूमर कंट्रोल करते हैं। बाकी होता है इम्यूनोथेरेपी। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई पेशेंट है जिसका ट्यूमर स्टेज 3 के ऊपर हो गया है या फैल चुका है, तो उस स्पेसिफिक कैंसर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसे हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। दवाई देके वो ट्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट में लीवर ट्रांसप्लांट भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है।